न्यूज़ एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खैलांजी विकास खंड के शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने कायम की एक अनोखी मिसाल। खैरलांजी विकास खंड के अधिकांश ग्राम बालाघाट मुख्यालय से लगभग 40 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महामारी में यदि कोविड-19 से कोई संक्रमित व्यक्ति जिला मुख्यालय जाता है तो उसे समय अधिक लगता है और परेशानी भी बहुत अधिक होती है। उसी परेशानी को देखते हुए विकासखंड खैरलांजी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी प्रधान पाठक, सीएसी एवं शिक्षकों द्वारा लगभग 2 लाख रुपए की राशि जमा कर उसी राशि से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें और 5 ऑक्सीमीटर खरीदी गई। उक्त सामग्री 20 मई को दोपहर 1 बजे बीएमओ उप स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी को शिक्षा विभाग खैरलांजी द्वारा सौंप दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाटर फिल्टर की मांग की गई, जिस पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कुछ ही समय में हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग खैरलांजी को वाटर फिल्टर भी भेंट किया जाएगा। वहीं खैरलांजी स्वास्थ्य विभाग ने विकासखंड के समस्त शिक्षक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीआर राम, बीईओ दिनेश नकपुरे, बीआरसी लोकराम जैतवार, जन शिक्षक आरएसएस अध्यक्ष राजकुमार मेसराम, बीएसी बाबूराव सोनवाने, जन शिक्षक अवधेश रहंगडाले, एनएम ओपीएस अध्यक्ष नंदकिशोर जैतवार, जन शिक्षक जागेश्वर हरिणखेड़े, जन शिक्षक अजय मर्सकोले, जन शिक्षक भरतलाल लिल्हारे, जन शिक्षक राजेश फलावी, जन शिक्षक विभूति सहारे, राजकुमार छिपेकर, जितेंद्र नकपुरे, समाज सेवी अंकित जैन सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। संकट की घड़ी में विकासखंड खैरलांजी के शिक्षा विभाग द्वारा एक सहयोग की मुहिम चलाई गई। एक मुहिम के दौरान हमने अपने सभी शिक्षक साथियों से अपील किया और सहयोग राशि के रूप में जो राशि जमा हुई उस राशि से हम लोगों ने 3 ऑक्सीजन उपकरण, 3 ऑक्सीजन मशीन और ऑक्सीमीटर क्रय किया और जिसे हम आज सामुदायिक हॉस्पिटल खैरलांजी को सौंपने जा रहे हैं। हमारे विकासखंड खैरलांजी के सभी हमारे शिक्षक साथियों ने शिक्षा से अपना सहयोग प्रदान किया, हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं और भविष्य में ऐसी भी कोई संकट की स्थिति हो तो हमारा जो विकासखंड खैरलांजी का शिक्षा विभाग है वो अपनी शिक्षा से इस सहयोग की कड़ी में हमेशा आगे रहेगा और ऐसा सहयोग करता रहेगा। सर, इस कोरोना विश्वव्यापी महामारी बीमारी में आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इस ऐसे संकट की घड़ी में भारत मतलब प्रत्येक नागरिक का ये उद्वेग हो जाता है कि किसी न किसी रूप में हम समाज का किस रूप में हम सहयोग कर सकते हैं। ऐसी आत्मीयता के साथ सबका ऐसा विचार होना चाहिए, ये हमारा संदेश है। ऑक्सीजन मशीन है और 5 ऑक्सीमीटर है और हमारे शिक्षक साथियों ने इस महामारी के समय स्वास्थ्य विभाग का लगातार हमने चाहिए कि ऐसे महामारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई हमारे शिक्षक साथी हमारे ग्रामीण जन जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण रहे थे और कई काल कॉलिक हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शिक्षक समुदाय ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम लगातार कलेक्ट करके मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन मशीन डोनेट करें। इसी तारतम्य में हम शिक्षक साथी के आपस में चर्चा होकर के हमने एक मुहिम चला करके राशि एकत्र करके आज हम 3 कंसंट्रेट ऑक्सीजन मशीन और 5 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं। हमने कहा कि इसके अलावा भी यदि कुछ आवश्यक सामग्री हो तो हमारा जो शिक्षा विभाग है। जैसे
जैसा कि हम आज शिक्षा विभाग खैरलांजी के द्वारा 3 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी को कोविड केयर सेंटर में मरीजों के हेतु प्राप्त हुई हैं। तो इन 3 मशीनों को और पूर्व से अपने पास 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पहले से उपलब्ध थे और अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर 5 बेड बिस्तरीय है, तो पूरे 5 बिस्तरों के लिए 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें हम उपलब्ध हो चुकी हैं।